दगड़ो कुछ ऐसे होते हैं कोदा की मनाए, कोदा की क्या झंगोरा चौला सब ऐसे इसी तरीके से मानते हैं बैलू से हमारे इधर। तो दगड़ो क्वाद यानी कि मनवा बताने की प्रोसेस शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं ऐसे पैर वाले पंखे से इतनी ढेर बनाए आज मंडुए की, मतलब इतना हो गया। हेलो दगड़ियो, गुड आफ्टरनून। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में और देव उत्तराखंड खूबसूरत पहाड़ों में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, दिन के अभी 12 बज रहे हैं, लगभग 12:05 हो रहे हैं। और दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत घर से ही हो रही है और मैं आज घर में ही हूँ। सुबह से ग्वाला गया था बकरियों के साथ, आज सुबह में गया था मैं जंगल और आज घर का ब्लॉग बनेगा पूरी वैसे। तो आज हमारी जो मंडुआ होता है उसकी दही है, यानी कि जो मंडुआ होता है उससे बीज अलग करते हैं और उसको धुसा अलग कर देते हैं। तो उसके लिए हम बैल लाए हैं आंगन में अपने चौक में और सब लोग आज घर में हैं, पिताजी भी आ गए हैं। तो चलिए आपको भी दिखाता हूँ कैसे कैसे मानते हैं मंडुए को हम लोग। तो इसकी बहुत लंबी प्रोसेस होती है, पहले से बैल घुमाएंगे उससे बीज अलग करके फिर उसको बताएंगे माटी मटाएंगे फिर रखेंगे। तो आपको पूरी प्रोसेस इसमें देखने को मिलेगी इस ब्लॉग में। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दगड़ियों आप देख सकते हैं एकदम चमचमाती हुई धूप लगी है और बादल भी कुछ इस तरीके से लगे हैं और यहाँ पर घूम रहे हमारे बैल। यह है मंडुआ और आज अरुणाचल की भी छुट्टी है और यहाँ आप देख सकते हैं मक्के सुखाने के लिए रखे हैं दो डल और एक टोकरी। तो ये डल होते हैं दोस्तों, इनको डल बोलते हैं, टोकरी तो आपने देखी होगी दुकानों में। तो ये इनको ऐसे भी रख सकते हैं सादा और ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि इनसे मिट्टी से लीप पोत भी सकते हैं। और इधर अपना शेरू। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से बैल घूमते हैं गोल में, अगर कम मंडवा रहे तो उसे पैरों से ही मान लेते हैं, लेकिन इसको ऐसा करना पड़ता है, ऐसे कर लिया, चल चल नहीं। और देखो हमारे एक बैल घंटी भी खो गई है। तो कुछ इस तरीके से इनके पैरों के वजन से अब जो ये बलड़े हैं इनसे बीज अलग हो जाएगा। ये मतलब लगातार इनको घुमाना है जितने भी वो 2.5 घंटे 3 घंटे भी लग सकते हैं बाद में। होते हैं कोदा की मनाए, कोदा की क्या झंगोरा चौला सब ऐसे इसी तरीके से मानते हैं बैलू से हमारे इधर। और ऐसे खरोलते भी हैं जैसे पिताजी खरोल रहे हैं पैरों से ऐसे, तब जाके वो थोड़ा जल्दी हो जाता है और बैल भी थक जाते हैं। लेकिन आदमी बार बार चेंज होते रहते हैं क्योंकि इतने बार आदमी घूमेंगे इतने गोल तो आदमी चक्कर आ जाएगा भाई। तो आदमी चेंज होते होते मतलब कभी एक कभी दूसरा, तब ऐसे करके करते हैं और कुछ इतना हो गया है अभी।
तो देखो हम कुछ इस तरीके से ये अपने जुगाड़ किया है कोदा छानने का, देख सकते हैं आप। अरे शॉर्टकट तरीका है जिससे जो है कि जो ये बुलबुले हैं बड़े बड़े ये अलग हो जाएगा, बीज अलग हो जाएगा, फिर जो ये नीचे रह रहा है इसको हम बताएंगे क्योंकि इसमें भूखा है। तो देख रहे हो क्वाद यानी कि मंडुआ बताने की प्रोसेस शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं ऐसे पैर वाले पंखे से इस तरीके से उसको बताते हैं और इतना हुआ उधर अभी, तो इसमें से बीज अलग और जो दूसरा भूसा है वो अलग चला जाएगा ऐसे करके। तो दगड़ियो शाम के बज गए हैं 4 और अभी तो मौसम ने भी हमको बहुत परेशान कर दिया क्योंकि बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें यहाँ पर आ रही थी और हमने इतनी ढेर बनाई आज मंडुए की, मतलब इतना हो गया। और अभी कुछ इसमें है और कुछ उसमें है, उसको तो कूट कर, उसे तो आप कूट कर निकालेंगे दानों को, एक डंडे से उसको खूब पीटेंगे तब उसे दाने अलग हो जाएंगे। और इसी तरह हम और बता रहे हैं पंख से क्योंकि इसमें भी बहुत सारे दाने हुए, तो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं दोस्तों। तो देखो फाइनली 6 बज गए हैं और हमारी दही भी हो चुकी है यानी कि हमने कोदा भी मान लिया है आज और अब सिर्फ भूख रहा है। पिताजी उसको उधर कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ घास के लिए। दोस्तों आपने भी देख लिया होगा कि कुछ इस तरीके से मानते हैं और ऐसे हम झुमरे भी मानेंगे। पहले इस खोले को जो है साफ लीप देंगे इसको और फिर इसमें झुमरे रखेंगे सुखाने के लिए, फिर उसको भी मान देंगे। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपको मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निर्णय लेने की बात मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवी मुद्रा।